हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। मैं उसको देख के डर गई। सो दिस इज़ माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे अपने अपने घरों में। सो कल तो लड़ियाँ लग रही थी झालरें, ठीक है। सो इस करके क्या कहते हैं, मैं जल्दी चली आई थी छत से जल्दी चली आई थी। आज तो मैं कुछ ज़्यादा जल्दी आ गई हूँ, 4 भी नहीं बजे और मैं छत पे आ चुकी हूँ। वीडियोस तो मैं रिकॉर्ड करूँगा ना, क्योंकि मैंने आज ना थोड़े अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। मैं कपड़े चेंज भी नहीं करके आऊँ, क्योंकि मुझे आज मन ही नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने का। इस करके अच्छा, ये देखना कितना खलारा फैला के गई है, ये गली में ही फेंक जाते। ये देखो यहाँ काम चल रहा है, ठीक है। ये टेक्सचर सूखने में ही नहीं आ रहा। हाँ, इन बदतमीजों ने पता नहीं कैसे ये मेरी तोड़ दी। बदतमीज है, एक दो और ये तीसरी तो पूरा ही नुकसान कर रहा है। इसलिए ना मैं अपनी छत पे किसी को आने नहीं देती। कोई ना कोई आएगा नुकसान करके तो जाएगा। कोई भी आएगा ना मेरी छत पे, पक्का कोई नुकसान करके जाएगा। जो ये बिजली की तार वाले आते हैं, वाईफाई वाले, ये शेप्स के ऊपर पैर रख जाते हैं। इनको यहाँ रखती हूँ। ओहो, लो एक नुकसान मुझसे हो गया। मर डाली है ना, थोड़ी हार्ड हो रखा है टेक्सचर। ये टेक्सचर ना अपने अलग ही रंग बदलता है, कभी इतना येलोइश हो जाएगा और कभी इतना ब्राउनिश हो जाएगा। इसकी वीडियोस में आदि में इतना ज़्यादा, जैसे मैंने एक ओल्ड वीडियो डाली कल ब्लॉग्स की, इतनी अच्छी क्रम्बलिंग करी उसमें। मेरी फेवरेट वीडियो है वो इस टेक्सचर की, ठीक है। उसमें इतना येलोइश क्रीमी कसा कलर आ रखा है इस टेक्सचर का, ठीक है। और आदि वीडियोस में एकदम ब्राउन आ रखा है जैसा अब आ रहा है। गिल्ला वाला पार्ट ना थोड़ा हार्ड है। इस टेक्सचर की, हो हो, ये क्या बदतमीजी है भाई। इसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, कैसे तोड़ी, कैसे हो रही है इन्होंने। हाँ दे यार, बदतमीजियों की ना, देखो इसमें होल हो गया, इट मीन्स इसके अंदर कीड़ा होएगा। देखना क्या बदतमीज लोग आते हैं यार छत पे, नुकसान करके ही जाना होता है। कुछ नई चीज़ दिख जाए ना, बस तोड़ फोड़ दो। पता नहीं कैसे तोड़ी है, ये पैर भी नहीं लग रहा कि भाई इस पे पैर ही रखा हुआ है। अभी बनाया टेक्सचर, कितना बढ़िया ड्राई है, क्योंकि इसके अंदर पानी ना बहुत कम जाता है। देखना एक और ये दो, और मैं हर एक शेप इतनी ज़्यादा प्लेन, इतनी नीट एंड क्लीन निकालती हूँ ना, क्योंकि मुझे इसकी फ्लोर क्रम्बलिंग करनी थी। और पता नहीं, देखती हूँ जाके, मेरी तो एकदम नज़र पड़ी। वैसे तो छत पे कुछ भी होता है, मेरी सबसे पहले नज़र वहीं जाती है, पर आज ना मेरा थोड़ा ब्लॉग में ध्यान है तो थोड़ी देर में नज़र पड़ी है। और इस साइड मैं थोड़े आई भी कम हूँ, वरना मैं कुछ नुकसान होते मुझे आते ही वो नुकसान दिखता है। अच्छा, मैं मुझे तो लगता है, मुझे जितना याद है, जितनी बार भी ऐसे कोई दूसरा बंदा आके मेरी छत पे
मेरी शेप्स तोड़ के गए ना, मैंने ब्लॉग में ज़रूर दिखाया है। एक बार वाईफाई वाला, एक बार कोई नेबर आया था वो तोड़ के गया था। यहाँ भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है टूटा हुआ है, यहाँ भी टूटा है, क्योंकि एक तो यहाँ पे मैंने क्रमलिंग कर रखी थी इस करके मुझे ज़्यादा याद नहीं है। कितना डस्टी है भाई ये टेक्सचर, तो हद में हद डस्टी है। आए हाय, लोग बाग देखी जा रहे हैं मुझे कि भाई ये फोन लेके मिट्टी में क्या कर रही है। सही में दे आर लुकिंग मी वेरी वियर्डली। ये तो टेक्सचर सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। ओहो, मैं सोची थी चलो एक पीस निकला, बड़ाक दे से टूट गया। मैं बताती हूँ इसका रीज़न क्या है कि ये इतना बदतमीज़ हो रखा है टेक्सचर। चलो सारी शेप्स तो उसकी हुई है एटलीस्ट। अरे यार बहुत धूप है अभी, मैं बहुत जल्दी आ गई। इसकी क्रमलिंग करते हैं। वेट है, कितने सुंदर लग रहे हैं। इनके ऊपर डस्ट दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रही है। ये देखो येलो येलो डस्ट दिख रही है, फोकस ही नहीं कर रहा। कितनी डस्ट इनके ऊपर आ चुकी है। आय हाय, इन बदतमीजों ने ये भी तोड़ी है। खैर नहीं थी भाई इनकी, जो मैं होती ना एक एक शेप ना इनसे दोबारा बनवाती मैं जानवरों से। हाय, ये किसने बदतमीजी खिंडाई है, मेरे कलर और वेस्ट करके गए हैं डंगर जरे। लोग में लिटरली मेरे मुंह से उनके लिए ऐसे शब्द निकल रहे हैं। किसने कहा है इनको ये करने को, उन तुम्हारे फूफा ये कलर दे के गए हैं जो वेस्ट कर रहे हैं ये बदतमीज। कितना कितना कलर लगाया हुआ है ये, मुझे लग रहा है ये विराट के काम है, क्योंकि वो भी था छत पे और आज उसको आने दो। ये तो विराट की ही काम है, वो इतने वो कुछ काम कर रहे हो उनसे शेप टूट गई हो कुछ लग वग के, ये मैं मान सकती हूँ। वाओ नाइस, अच्छा हर बार ना मैं अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ कि मेरा पहला रिएक्शन ये था ऐसा। मैं अपना और ये अपनी फैमिली का बताती हूँ, अपने दोस्तों का, कि भाई वो इस चीज़ को लेके उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या था। तो आप लोग भी बताना कि आपने जब कब मतलब आप कब से, मैं ये नहीं कह रही कि मेरी ही वीडियोज़ या मेरा चैनल कब से फॉलो कर रहे हो, आप इस ASMR कम्युनिटी को कब से फॉलो कर रहे हो, और आपने पहली वीडियो देखी थी तो आपको वो अच्छी लगी बुरी लगी। मैंने तो आपको पता ही है मुझे पहला रिएक्शन मेरा क्या था और मैंने किसकी वीडियोस देखी थी जो कि मेरी फेवरेट है, पर अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं रही। ठीक है, तो आप लोग बताना ज़रूर ज़रूर कि आपने सबसे पहली वीडियो किसकी देखी थी और क्या कौन सी, मतलब उसमें व्लॉग था वीडियो ट्यूटोरियल जो भी आपने देखा वो ज़रूर ज़रूर बताना मुझे। अच्छा ये इसमें से सैंड निकली है, मैंने पता नहीं दिखाई है कि नहीं, इतनी ज़्यादा क्रीमी है ना ये सैंड और रेड रेड सी है हल्की हल्की, इसमें से निकली है ये सारी। और मैं ना इसको इस टेक्सचर में डालूँगी। मैं सोची थी ठीक है तो ज़रूर बताना, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, पर आप लोगों ने नहीं होना और आप लोगों ने ज़रूर बताना मुझे।
क्राई है भाई।